सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए जो शनि महाराज है बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहते, लेकिन फिर भी जैसे कि कर्क राशि वालों के लिए फेवरेबल नहीं रहते, लेकिन इस बार शनि आपके चतुर्थ से निकल कर आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा अपने आप में, और आपके घर के कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो सॉर्ट आउट होंगे। अगर कोई आपको घर खरीदना है तो वो जो बाधा थी वो दूर हो जाएगी, और अब आपकी माता की तबीयत में भी सुधार आएगा, आपके हेल्पर्स के साथ आपकी बनेगी, आपके बच्चे हो जाएंगे कर्मठ और थोड़े से जिद्दी, और आपके साथ जिद किया करेंगे। थोड़ी सी वृद्धि भी हो सकती है बच्चों में, मतलब अगर आपके घर में कोई नए मेहमान आएंगे, अगर आप कोई नए मेहमान को लाना चाहेंगे अपने घर में मतलब बच्चों के रूप में, तो ये भी सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी शादी के भी योग हैं। और एक बात और याद रखिए कि आपको अपने पत्नी पार्टनर स्पाउस के साथ में बहुत संभल के बात करनी है, और बहुत अच्छे रिश्ते रखने हैं थ्रू आउट 2.5 ईयर्स या जब तक शनि महाराज रहें, और अगर उनके साथ आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप ये समझ लीजिए कि जो सप्तम दृष्टि आपके लाभ पर पड़ेगी तो वहाँ स्थान बलि हो जाते हैं शनि महाराज, तो पैसा आएगा आपको, और कोई मीडिया से रिलेटेड जैसे मैंने वृषभ राशि के लिए कहा था उसी प्रकार आपसे कह रही हूँ मैं कि अगर कोई ऐसा पैसा जिसमें पेट्रोल या लोहा या लकड़ी या ऐसा कोई काला चीज इसके बिजनेस में समावेश हो, और अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हो तो आपको पैसा भी मिलेगा। दशम दृष्टि पड़ेगी आपके वाचस्थान पर, तो दशम दृष्टि वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है शनि की, तो आपके परिवार के लोग बड़े स्ट्रगल करेंगे, काम करेंगे पैसे के लिए। आपको पैसा संभाल के रखना है, अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर बात करने में कंट्रोल रखना है।